हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? हम लोग बहुत अच्छा हैं और आज हमारा दुकरी गांव का सर्वप्रवासी है। तो ये हम लोग प्राकृतिक पर्व मनाते हैं और ये बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। ये सरई फूल जो है या नया साल में नए नए पत्ते आते हैं और सरई फूल ऐसा फूल है जो नकारात्मक भावना को ख़त्म करता है और सकारात्मक भावना को लाता है। तो हम आदिवासी भाई बहन ये नए साल में नए कोंपलों के साथ ये सरहुल पर्व मनाते हैं, बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। और आप लोग पीछे देख रहे होंगे, हमारे पीछे जो हमारे पढ़ा भाई लोग हैं, पढ़ा भाई लोग अभी अभी आए हैं, लेकिन हम लोगों ने जो पारंपरिक स्वागत है आदिवासी रीति रिवाज के साथ जो स्वागत करना है, हम लोग उनको स्वागत कर रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, उनके साथ मीठा पानी भी है। अभी यहाँ बैठा के हम लोग फिर से अखाड़ा ले जाएंगे और अखाड़ा में खेलने के बाद उनको फिर नाश्ता के लिए उतारेंगे। तो आप लोग बने रहिएगा और देखते रहिएगा। धन्यवाद, बाय। भैया लोग हुए, भाई लोग हुए हम लोग, और हम लोग अभी अखाड़ा में हैं। और साल का अपेक्षा इस साल तो बहुत अच्छा लगा सरहुल में, बहुत मजा आया नाचने में। मैं बोलता हूँ कि ये तो पूर्वज का सरहुल है और पूर्वज की तरह ही मनाया जाता है, लेकिन इस बार हमेशा की तरह और साल से अच्छा हो रहा है। बड़े भाई लोग थे और अभी हम लोग अखाड़ा में हैं और अभी सुबह हो चुकी है और आप लोग देख पा रहे होंगे कि हम लोग का झारखंड का जो ये सरहुल त्यौहार है और ये पारंपरिक ये जो नृत्य है वो चल रहा है। और अभी हम लोग का चलेगा, उधर देख पा रहे होंगे नगाड़ा सब रखा हुआ है, तो हाँ उसको हम लोग भाई सब टांगेंगे पूरा, और एकदम भौजी लोग हैं तो इसलिए एकदम जम के खेलेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा, पूरा एकदम मजा आने वाला है, देखते रहिए। हाँ लाइक हाँ लाइक ठोकते रहिएगा, अच्छा लगेगा। तो हाँ तो दोस्तों, हमारे गांव में पढ़ा रहे हैं हरमुख गांव से, हम लोग स्वागत के लिए जा रहे हैं, उसके लिए देखते रहिए। इस तरह से हम लोग अखाड़ा से उतर के हम लोगों का ये हम लोग के गांव की पूरी टीम, हमारे पढ़ा भाइयों का जो कि हरमू से आए हुए हैं, उनकी स्वागत में हम लोग निकल चुके हैं और कुछ ही मिनटों में हम लोग उनके पास पहुंच जाएंगे। और उनके पास पहुंचने के बाद हम लोग उनको परिछावन करके हम लोग फिर से ये यहाँ अखाड़ा के पास लाएंगे और उनको ये साधारण पानी और मीठा पानी पिला के उनको हम लोग फिर से उनको अखाड़ा में चढ़ाएंगे और साथ में हम लोग की टीम भी चढ़ेगी। और इस तरह से हम लोग पूरा धूमधाम से अखाड़ा में खेलेंगे और खेलने के बाद हम लोग 3-4 बजे ये जुलूस निकालेंगे। ये है हमारे स्थानीय ये दत्री की टीम और ये इधर देख पा रहे होंगे, इधर आ रही है हमारा पढ़ा भाइयों की ये हरमू की टीम। तो इस तरह से मैं पढ़ा टीम ये हरमू के नज़दीक पहुंच चुका हूं। तो ये पढ़ा टीम धूमधाम से खेल रही है और इधर है हम लोग की दत्री का टीम और इस तरह से हम लोग उनका स्वागत करेंगे और अखाड़ा तक हमारे पढ़ा मेहमानों को लेके जाएंगे।
विचार था। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग अपने पढ़ा को परीक्षा के ले आए हैं अखाड़ा के पास, और अभी हम लोग पानी उनी पिलाएंगे, उसके बाद हम लोग फिर से चढ़ेंगे अखाड़ा में। ये रहा हम लोगों का गांव का अखाड़ा, और इधर हमारे पढ़ा लोग पहुंच चुके हैं। हम लोग स्वागत करके लाए हैं उनको, और यहाँ हम लोगों का चबूतरा है, और यहाँ पर अभी हम लोग पानी उनी सबको मेहमानों को पिलाएंगे, उसके बाद फिर से हम लोग अखाड़ा में चढ़ेंगे, और अखाड़ा में चढ़ने के बाद फिर से हम लोग उतरेंगे, और उतरने के बाद मेहमानों का ये नाश्ता पानी होगा, उसके बाद हम लोग फिर से अखाड़ा में चढ़ेंगे। तो इस तरह से मेहमानों को हम लोग पानी उनी पिला रहे हैं, और पानी उनी मेहमानों को पिला के हम लोग फिर से ये जो हमारा अखाड़ा है इसमें हम लोग फिर से चढ़ेंगे, और पूरा एकदम मेहमानों के साथ हम लोग नाचेंगे गाएंगे। इस तरह से हमारे दत्री की टीम और हमारे ये पढ़ा भाइयों की टीम, ये हरमू की टीम अभी अखाड़ा में चढ़ चुकी है, और इस नृत्य के बाद हम लोग अखाड़ा से उतरने के बाद ये दोपहर में 3-4 बजे हम लोग फिर से ये जुलूस निकालेंगे, और ये जुलूस वीडियो के अगले पार्ट में आएगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी होने जा रही है। तो अगले वीडियो में आएगा ये हमारे गांव के पूरी गांव की ये जुलूस, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं, जय हिंद।